इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पीयर टू पीयर नेटवर्क किसे कहते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर हमारे पास दो कंप्यूटर जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये कंप्यूटर जो हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक ही वक्त में एक कंप्यूटर जो है वो एज ए क्लाइंट भी काम कर रहा होता है और एज ए सर्वर भी काम कर रहा होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम जानने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट किसे कहते हैं। क्लाइंट कहते हैं वो कंप्यूटर जिसको कोई नीड होती है या उसने अपनी कोई ज़रूरत पूरी करनी होती है तो वो अपने साथ कनेक्टेड कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड करता है ताकि उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। ऐसे कंप्यूटर को हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे ये कंप्यूटर ए है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक क्लाइंट कंप्यूटर है, इसकी कोई ज़रूरत है, इसकी कोई नीड है जो कि इसने पूरी करनी है, वो पूरा करने के लिए इसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है कंप्यूटर बी को। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बी है वो यहाँ पे एज ए सर्वर काम कर रहा है। सर्वर किसे कहते हैं, वो कंप्यूटर जो क्या करता है, जो उस रिक्वेस्ट को पूरी करता है, और इसीलिए इसके लिए इसका नाम रखा गया सर्वर, जो कि सर्व से निकला है यानी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर बी जो है वो एज ए सर्वर काम कर रहा है और कंप्यूटर ए जो है वो एज ए क्लाइंट काम कर रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर बी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो कंप्यूटर बी जो है वो एज ए क्लाइंट काम करेगा, और हमारे पास जो कंप्यूटर ए है वो एज ए सर्वर काम करेगा यानी वो उसकी रिक्वेस्ट को पूरी करेगा। तो कंप्यूटर बी जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा और कंप्यूटर ए जो है उसकी रिक्वेस्ट को पूरी करेगा। तो इस तरह का नेटवर्क जिसमें एक कंप्यूटर एज ए क्लाइंट भी काम करता है और एज ए सर्वर भी काम करता है, इस तरह के नेटवर्क को पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। और इसके अंदर दोनों कंप्यूटर जो हैं वो अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ये रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जो कि हमने इससे पहले भी जो क्लाइंट सर्वर मॉडल था वहाँ पे डिस्कस किए थे, ये वो रिसोर्सेज हैं जैसे कि इस कंप्यूटर ए के पास इसका अपना एक सॉफ्टवेयर है, इसका अपना एक हार्डवेयर है, इसके पास डेटा है, तो ये तमाम इसके रिसोर्सेज हैं। इस तरह कंप्यूटर बी के भी अपने रिसोर्सेज हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इन रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में तमाम कनेक्टेड हैं। ये दरअसल एक मॉडल है, पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल है, जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप इस नेटवर्क के ऊपर गौर करें, इसमें हर एक कंप्यूटर तमाम कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। यानी अगर मैं इसको एक इस कंप्यूटर को नाम देता हूँ कंप्यूटर ए का, तो अगर आप इसकी कनेक्शन लाइन्स देखें तो ये तमाम के साथ कनेक्टेड है। इसका कनेक्शन जो है वो तमाम के साथ हुआ हुआ है, आप इनकी लाइन से देख सकते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं तमाम आपस में कनेक्टेड हैं। और दो कंप्यूटर्स को अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है, तो यहाँ पे कंप्यूटर ए और बी आपस में पेयर हैं। इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर ए है और यहाँ पे जो है कंप्यूटर है, इसका हम नाम रख लेते हैं कंप्यूटर एफ। तो यहाँ पे कंप्यूटर ए और एफ जो है वो एज ए पेयर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब हमने एक चीज इसके अंदर जाननी है कि जब भी एक नया कंप्यूटर पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल का हिस्सा बनना चाहता है तो क्या होता है। अगर एक नया कंप्यूटर है, लेट सपोज कंप्यूटर ए है, ये इस पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल का हिस्सा बनना चाहता है, तो हमने क्या किया होता है कि यहाँ पे किसी भी एक कंप्यूटर में हमने एक सेंट्रलाइज्ड लुकअप सर्विस रखी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड लुकअप सर्विस, लेट सपोज आपने इस कंप्यूटर, हम इसको एक्स का नाम देते हैं, इसके अंदर हमने एक सेंट्रलाइज्ड लुकअप सर्विस रखी है। ये क्या करती है, इसके अंदर तमाम कनेक्टेड डिवाइसेस का रिकॉर्ड मौजूद होता है कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन तमाम की लिस्ट यहाँ पे मौजूद होती है। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो तमाम इस, लेट सपोज कंप्यूटर एक्स के अंदर, इसके अंदर हमने स्टोर किए हुए हैं। और हर कंप्यूटर जो है उसकी जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी भी डिटेल वहां पे दी हुई है। जैसे यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर बी के अंदर ये खासियत मौजूद है कि ये प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी प्रिंटर की सर्विस दे रहा है। तो इस ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस सेंट्रलाइज्ड लुकअप सर्विस में होगी। तो जब भी एक नया कंप्यूटर इस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहेगा तो उसको इस सेंट्रलाइज्ड लुकअप सर्विस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, जिसके अंदर वो ये लिखेगा, वो जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये कंप्यूटर क्या सर्विसेज चाहता है और ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है।
तो जब भी आपने किसी भी इस पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल में जब किसी कंप्यूटर को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो रिक्वेस्ट भेज देता है सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस को, और सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस के पास एक टेबल मौजूद है, उस टेबल के अंदर तमाम कंप्यूटर्स मौजूद हैं, और वो क्या करता है कि इसकी जो सर्विस होती, इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको भेज देता है जहाँ पे वो रिक्वेस्ट मौजूद है, जहाँ पे वो सर्विस मौजूद है। जैसे एफ को अगर प्रिंटर की फैसिलिटी चाहिए तो वो कनेक्ट होगा तमाम नोड्स के साथ। इनको एक और वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और वर्ड है नोड, इनको नोड भी कहा जाता है। तो एफ को अगर प्रिंटर की फैसिलिटी चाहिए तो वो तमाम को ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, लेकिन जो सर्व करेगा वो सिर्फ कंप्यूटर बी ही करेगा। तो ये तमाम कंट्रोल जो हो रहा होता है वो इस लुकअप सर्विस की वजह से हो रहा होता है। तो इसी तरह जब कंप्यूटर बी को अगर कुछ चाहिए होगा और कंप्यूटर बी को जब कोई रिक्वेस्ट होगी तो ये क्या करेगा, ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये रिक्वेस्ट लेट सपोज अगर एफ से पूरी होती हुई तो एफ इसको सर्व करेगा। तो आपने देखा कि किस तरह बी और एफ आपस में एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। तो अब एक और एग्जांपल इसकी हम लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लेट सपोज के तमाम कंप्यूटर जो हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, इसको हम आमतौर पे लैन कहते हैं, और इस इन तमाम कंप्यूटर्स के अंदर आप एक गेम खेलना चाहते हैं जो कि काफ़ी मशहूर गेम है काउंटर स्ट्राइक के नाम से। अब ये काउंटर स्ट्राइक जो है लेट सपोज तमाम कंप्यूटर्स में इंस्टॉल है। अब इसमें जो कंप्यूटर एफ जो है इसने क्या किया है कि इस काउंटर स्ट्राइक गेम इसने स्टार्ट किया, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, जब भी आपने ये गेम खेलेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सर्वर का। तो जैसे ही आप यहाँ पे एफ कंप्यूटर जैसे ही सर्वर स्टार्ट करेगा तो तमाम कंप्यूटर जो है इस सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर तमाम कंप्यूटर जो हैं वो एज ए क्लाइंट काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एफ जो है वो एज ए सर्वर काम कर रहा है। तो उसके बाद एफ ने जो गेम स्टार्ट किया है तो तमाम कंप्यूटर्स ये गेम खेल सकेंगे। अब लेट सपोज अगर एफ कंप्यूटर इस गेम को क्लोज कर देता है, उसके बाद ए कंप्यूटर जो है वो इसको स्टार्ट कर देगा, तो ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए सर्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी तमाम कंप्यूटर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एक सर्वर जो है वो चेंज भी हो सकता है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा नेटवर्क के अंदर वो सर्वर होगा, और तमाम कंप्यूटर जो सर्विस हासिल कर रहे हैं वो तमाम क्या होंगे, वो तमाम क्लाइंट्स होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, इससे आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल का एक की जो पिक्चर है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं एक कंपैरिजन कर लेते हैं इसके अंदर, कि इससे पहले हमने पढ़ा था सर्वर बेस्ड नेटवर्क और पेयर टू पेयर नेटवर्क में कौन सा बेहतर है। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क सर्वर बेस्ड नेटवर्क से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क था उसके अंदर तमाम डेटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड इस सर्वर में मौजूद होता है, और ये तमाम कंप्यूटर्स, ये तमाम क्लाइंट जो हैं वो इस सर्वर पर डिपेंडेंट होते हैं। कहीं पे भी अगर इस सर्वर में कोई डाटा करप्ट हो जाए या कोई ख़राबी आ जाए तो तमाम क्लाइंट्स जो है उन तमाम का काम रुक जाएगा। उसके मुकाबले में जो पेयर टू पेयर नेटवर्क है इसमें तमाम कंप्यूटर्स एज ए सर्वर भी काम करते हैं और एज ए क्लाइंट भी काम करते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे कंप्यूटर एफ है, ये एज ए सर्वर काम कर रहा है, और तमाम कंप्यूटर जो हैं ये एज ए क्लाइंट काम कर रहे हैं। तो अगर इसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि तमाम कंप्यूटर्स का जो वर्किंग है वो रुक जाएगी, बल्कि सर्वर की जो रोल है वो अब लेट सपोज ये कंप्यूटर ई है वो प्ले करना शुरू कर देगा और तमाम कंप्यूटर्स का काम भी चलता रहेगा। तो इससे जो पेयर टू पेयर नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से पेयर टू पेयर नेटवर्क जो है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क से ज़्यादा बेहतर है। तो आज इस वीडियो में आज हमने पेयर टू पेयर नेटवर्क के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से उसकी वर्किंग होती है और बेसिकली पेयर टू पेयर नेटवर्क होता क्या है।